अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और निक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। ये भी ईद का ही दिन है। बच्चों से मैंने कहा था कि हम शाम को बाहर जाएंगे, मैं आपको लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाऊंगी, लेकिन इस तरह धूप थी तो थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी, तो हम फिर कैसर को ही साथ लेके कि आप ही हमें ले जाओ। कोई अच्छी चीज़ अगर आप आगे फॉरवर्ड करते हैं तो उसका स्वाप होता है, लेकिन कोई अच्छी चीज़ ना हो वो कहें तो अगर वो उसको कोई फॉलो करेगा तो आपको उसका गुनाह होगा। ये बात भी सही है। एक ड्रामा देखा नेटफ्लिक्स पर, बहुत ही अच्छा लगा, और उसमें एक करेक्टर था, उसने ऐसे बाल बनाए हुए थे जैसे फजर ने बनाए हैं, और वो जॉर्डन का बना हुआ ड्रामा है, बहुत ही अच्छा था, स्कूल की बच्चियों का। ईद का दिन जो है वो शाम ढलते ही हमारे घर में, यहाँ पर देखें बच्चों ने कपड़े भी बदल लिए हुए हैं। बुरहान जो है यहाँ पर पता नहीं किस बात से मूड ऑफ करके बैठा हुआ था। ईद का दिन था तो जल्दी ही उठे, और बच्चे भी जल्दी उठ जाते हैं, तैयार हुए, खाना वगैरह खाया, थोड़ा फिर लिए, और अभी तकरीबन शाम हुई है तो यहाँ पर बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, क्योंकि छुट्टियाँ भी हैं बच्चों को। कहीं जाने का कोई ऐसा हमारा प्रोग्राम बना भी था लेकिन वो फिर हमने कैंसिल कर दिया। समर वेकेशन सीज़न है और मोस्टली लोग जो है वो बाहर जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, और रश काफ़ी हो जाता है। अगर आपने मुल्क से बाहर जाना है तो काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से खपने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने सुना न्यूज़ में कि एयरपोर्ट पर सर्विस भी कम थी, स्टाफ कम था, तो काफ़ी देर लोग जो हैं एयरपोर्ट पर वेट करते रहे, तो वो आप कई वेकेशन का सारा मज़ा ही ख़राब हो जाता है, और अगर बच्चे साथ हों तो फिर तो बस काम तमाम ही हो गया। ईद के दिन जो खाना बनाया, ईद के दूसरे दिन भी वही खाया, और तीसरे दिन जो है हम दाल पर आ गए। यहाँ भुनी चने की दाल बनाई है, बहुत मज़े की ये दाल बनी। इसकी रेसिपी जो है मैं अपने कुकिंग चैनल पर शेयर कर दूँगी। मैं अभी अपने कुकिंग चैनल पर भी कुछ रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर कर रही हूँ, थोड़ा डिफरेंट तरीके से शेयर कर रही हूँ, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ का मौसम ऐसे ही है, स्पेशली जो स्कॉटलैंड का है, धूप लगे ज़रा सी बारिश होती है तो ठंडी हवा चलती है, और अगर साहिल पर चले जाएं, समुंदर किनारे बीच पर, तो और भी ज़्यादा। यहाँ एयर बीच पर हम गए, बारिश हुई ही थी और ठंडी हवा चलने लगी, तो हमें तो वहाँ पे सर्दी लगनी शुरू हो गई। कोई हम जैकेट नहीं लेकर गए, और वहाँ पर जो है ठंड लगनी शुरू हो गई। और यहाँ पर ये इस तरह से प्ले एरिया बना हुआ है जो फ्री ऑफ चार्ज है, जो सबसे अच्छी बात है। हम एम एंड डीज के वहाँ पर हर राइड की जो है प्राइस है, और हार्डली एक मिनट या दो मिनट चलाते हो, और फिर बच्चे जो हैं वो तो किसी भी राइड में एक दफ़ा नहीं बैठ के इनका जी भरता, इन्हें दो दो तीन तीन दफ़ा बैठना पड़ता है, और कार्ड जो है उसको फिर टॉप अप करवाते रहें और राइड्स में बैठते रहें। यहाँ मैं भी झूले पे बैठी हुई हूँ। आज यहाँ पर काफ़ी क्वाइट था, और जो पानी है वो काफ़ी दूर था साहिल से, ना काफ़ी आगे तक हमें चलकर आना पड़ा पानी के पास, तो काफ़ी बड़ा साहिल है, तो पानी जो है समुंदर का वो शायद
उतरा हुआ था या क्या था। तो ये देखें पीछे काफ़ी खाली जगह है और काफ़ी चलकर हम पानी के पास आए। बच्चियों को मेहंदी लगाने का बहुत शौक होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा है, बचपन से है आज तक है, लेकिन मेरी बेटियों को इतना शौक नहीं है। लगवा लेंगी तो अभी चाहती है कि फटाफट से ये मेहंदी जो है उतर जाए। फजर की फरमाइश पर आलू की टिक्कियाँ बनी। फजर कम ही कोई फरमाइश करती है और अगर कुछ कह दे तो उसे फ़ौरन ही पूरा करना पड़ता है, खाना मर्ज़ी से ही थोड़ा खाती है। तो आलू की टिक्कियों की फरमाइश की इसने, तो बन बनाए इसके साथ हमने। ये हम M&D's गए, मुझे ख़ुद ये बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ एक राइड्स यहाँ पर चेंज हो चुकी हैं। रोलर कोस्टर था मैं लास्ट टाइम जब गई थी उसमें बैठी थी, अब वो नहीं है। और भी बहुत सी राइड्स जो हैं वो नई आई हैं इसमें। कुछ में काफ़ी इंजॉयबल है बैठना, टू बी ऑनेस्ट। कुछ में मैं भी बैठी हूँ इसमें, पहले ईमान, बुरहान और दुआ बैठे, फजर नहीं बैठी थी, तो फिर ईमान जो है वो फजर को लेकर बैठी इसमें।
ये वाटर स्लाइड जो है इसमें जाने में इतनी देर लगती है, क्यू में खड़े होना पड़ता है और फ्यू सेकंड में ही ये खत्म हो जाती है। यहाँ से कार्ड मिलता है, उसी को टॉप अप करवाना पड़ता है। उसी में एक तरह से ना आप वहाँ पर पे करते हैं तो उसी में वो पॉइंट डाल देते हैं और हर जगह वही कार्ड जो है स्कैन करना पड़ता है। जब हम वापस आने लगे तो कार्ड में थोड़े से पॉइंट थे, तो हमने कहा चलो बुरहान तुम इसको यूज़ कर लो, और अकेला ही इसमें बैठा है, इसमें मैं भी बैठी थी। बहुत अच्छा है ये। आप तमाम लोगों के फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये ब्लॉग आज का यहीं तक है, ईद का ब्लॉग ख़त्म हो गया। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।